थोड़ी देर पहले टॉस हुआ, टॉस जीता अफगानिस्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का लिया है निर्णय। जजाई हजरतुल्ला जजाई अच्छे फॉर्म में हैं, उनके साथ अनुभवी शहजाद सलामी बल्लेबाज का किरदार निभाएंगे, लेकिन चुनौती है पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि शाहीन अफरीदी जो शानदार रिदम में नजर आ रहे, पता है जिस तरह भारत के खिलाफ पहले दो ओवर में दो बड़े झटके, तो देखना पड़ेगा कि क्या उसी इंटेंट के साथ वो गेंदबाजी करेंगे। अच्छे रिदम में है, अच्छे फॉर्म में है और शुरुआत वाइड के साथ, जहां एक बार आमना सामना हुआ इन दोनों टीमों के बीच और 2013 में। आड़ा मारने की कोशिश, स्टॉपेज, हैरिस रॉफ ने पकड़ लिया है कैच, पहला झटका अफगानिस्तान को। वही बड़े शॉट की कोशिश, वही आड़ा मिड विकेट पे मारने की कोशिश और इस बार टर्न नहीं कराया इमाद ने, वापस भेजा जजाई को 7-1। शॉट है ये, शहजाद थोड़ा सा मौका मिला और जड़ दिया चौका, एक और विकेट, सोच सही थी लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं, बहुत करीब था बल्ले के तभी ऊंचाई नहीं मिली शहजाद को और गवाया अपना विकेट। 8 रन बनाकर आउट हुए शहजाद, अफगानिस्तान 13 दो विकेट के नुकसान पे। ओहोए होए, क्या आवाज आई है उस शॉट से, पक्का स्टैंड में, जी हां। ओ यहां पे रन आउट हो सकते हैं, बहुत बड़ा मिसअप, चाहे वो बैटिंग में हो या फील्डिंग में, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। एक और छक्का, गैप में है और मिलेंगे 4 रन, आउट, तीसरी सफलता। हैरिस रॉफ लीडिंग एज, आसान सा कैच अपनी गेंद पे पकड़ा और वापस पूर्व कप्तान असगर अफगान 33 रन पे तीसरा विकेट गवा दिया है। यह अच्छा शॉट है, थोड़ी सी ज्यादा रूम, नतीजा 6 रन 39-3। रोहन अल्ला ने वहां पे कोशिश की हवाई फायर करते हुए पहली गेंद पे, हसन अली को सरप्राइज करना चाहते थे लेकिन बढ़िया हार्ड लेंथ की गेंद थी, वहां पे फंसाया, इस तरीके से लेंथ पे गति से बीट किया, आउट हुए वहां पे मुन्नला 10 रन बना के 39-4। गैप ढूंढा और जोड़ दिया चौका, रिवर्स स्वीप गैप में खेला, अच्छा शॉट, हल्की सी छोटी गेंद थी और पुल के द्वारा जादरा ने एक और चौका हासिल किया। स्लॉग स्वीप और क्लियर नहीं कर पाए वहां बाउंड्री, बड़ी हिट मारने चले गए थे, अच्छी गेंदबाजी इस बार इमाद ने, थोड़ा सा और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली थी, धीमी गति की गेंद थी, थोड़ा सा वहां पे गेंद घूमा और विकेट से वो पकड़ ही फायदा देके गई, वहां पे विकेट लगातार अंतराल पे गिरती रही, बड़ी हिट मारने चले गए मोहम्मद नबी आए बल्लेबाजी करने के लिए। 6 रन मिलेंगे इस बार, थोड़ा सा ओवर पिच पैरों पे और जादरान के बल्ले से आए 6 रन। चलिए बोलते ना बोलते ही एक और विकेट गवा दिया है, स्लिपर तेज गति से डाली थी उस गेंद को और अच्छा कैच पकड़ा रिजवान ने स्टंप्स के पीछे, 76 पे 6 ज्यादा रन आउट हुए 22 रन बनाकर। हैरिस रॉफ बाहरी किनारा और मिलेंगे 4 रन। नहीं, ये लाइन पे आप नहीं दे सकते, यहां पे आप नबी को ना डालें, डालेंगे तो हशर यही होगा, यहां पर खिलाड़ी नहीं है
लेग स्टंप यॉर्कर और बहुत बढ़िया तरीके से गति का किया इस्तेमाल और ये चौके चाहिए हसन अली। पहली गेम स्लोअर बॉल थी, पिक किया, गैप में खेला, जड़ दिया, वहां पे एक और शानदार छक्का। ये भी बहुत अच्छा शॉट है, गैप भी ढूंढा, छक्के के बाद फिर लगाया चौका। इस बारी चौका, प्रयास अच्छा था लेकिन भाग्य का थोड़ा साथ मिलता हुआ वहां पे। भाग्यशाली भाग्यशाली वहां पे नबी, अच्छी तरीके से टाइम किया वहां पे, स्लोअर बॉल को पड़ा भी और जड़ा भी चौका। गैप में एंगल का किया इस्तेमाल, ओवर की समाप्ति करेंगे चौके के साथ। क्या आखिरी गेंद पे एक बड़ी हिट लगा सकते हैं अपनी टीम के लिए। दूसरा फिर से बढ़िया ब्योकर वहां पे, एक ही रन मिलेगा, 7 रन इस ओवर से 147 पे अफगानिस्तान का स्कोर पहुंचा। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, विकेट्स पापले में गिरती चली गई लेकिन हार नहीं मारी, वो अच्छी इंटेंसिटी से बल्लेबाजी की और अपनी टीम को ले गए 147 पे। 148 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मुकाबला जीतने के लिए। बाबर आजम और रिजवान पारी की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान के लिए। करीबी मामला था वहां पे, बढ़िया फील्डिंग, तो एंगल का इस्तेमाल किया, इंतजार कर रहे थे तो एंगल का पूरी तरीके से वहां पे फायदा उठाया रिजवान ने, 11 बिना किसी नुकसान के। कैच की मांग है, डीप स्क्वायर वहां पे मौजूद, मुझे अपने दिलाई विकेट वहां पे फंसाया रिजवान को स्वीप शॉट पे। बढ़िया गेंदबाजी, फील्ड के तहत गेंदबाजी करते हुए जरूरी थी एक विकेट चटकानी, थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश यहां पे। 8 रन बना गया हो गया 12 पे 1। यहां चांस बॉकर बन सकता था, थोड़े रह गए, अगर कोई ऊंचे होते कद के खिलाड़ी तो मिड विकेट फील्डर कैच कर लेते। स्टेप आउट करके एक बार फिर से जानदार शानदार शॉट फखर जमान का। गैप में है, खराब गेंद, नतीजा 4 रन। स्लैश कर दिया है, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, खराब गेंद है नवीन से और चौका। एक और चौका, शॉट है, शॉट है, 4 रन। बढ़िया गेंद, एक अपील और अंपायर का इशारा आउट। सोच विचार चल रहा है लेंगे कि नहीं लेंगे DRS वहां पे, जिस तरीके से फंसाया वहां पे बाबर आजम को, अंपायर का कॉल था, आउट दिया है, ले लिया DRS। Ball tracking coming up, original decision is out, pitching outside of impact in line, wickets missing. You'll have to change your original decision. Your on-screen signal now. Not out. Game thodi si wahan pe asit spin ho gayi thi. Sahi samay pe liya review. 75 pe 11 ke baad. Yes! Stumps mein yahan pe swag sweep khelne ka mauka. Ji haan, out karar diya gaya. Kya ye bhi lenge review? Baat cheet chal rahi hai. Lena chahenge kya review? Samne Babar Azam the. Le liya review. Third umpire to director. So flat line as ball goes past the bat, gap between bat and ball, clearly no bat involved. Ball tracking coming up, original decision is out, pitching outside of impact in line, wickets hitting, stay with your original decision of out, stand by, your on-screen signal now. बड़े अंपायरिंग वहां पे रिव्यू जरूर लिया था लेकिन वहां पे रिव्यू गवाया, 30 रन बना के आउट हुए 75 पे 2। बाहरी किनारा हफीज के लिए ये अच्छी शुरुआत। सवाल हर गेंद में पूछ रहे हैं, बीट जरूर हुए वहां पे, भाग्य का साथ मिला बाबर आजम को, 4 रन जरूर मिले लेकिन पूरी तरीके से बीट किया था वहां पे राशिद खान ने।
स्लिप में खिलाड़ी मौजूद नहीं है, बड़ी हिट मारने गए वहां पे मोहम्मद हफीज और फंसाया राशिद खान ने, जाने जाते हैं विकेट चटकाने के लिए। शानदार गेंदबाजी, आगे का गेंद थी और ये इनकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100वीं विकेट। राशिद खान बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए मुकाबले में वापसी करवाते हुए अफगानिस्तान को। मोहम्मद हाफिज आउट हुए 10 पे, पाकिस्तान 97 पे 3। शोएब मलिक 75 का बेस्ट है, दो की मांग है, पीछे गुरबाज हैं जो कि चौकन्ने थे, लेकिन सिंगल सिंगल का मतलब अर्शतक पूरा, बाबर आजम का दूसरा अर्शतक इस विश्व कप में और 22वां T20 आईज में। बाबर आजम क्लास अलग है इस खिलाड़ी का, कट कर दिया गैप में शोएब मलिक ने, बहुत लंबा शॉट ये, बहुत लंबा ये, शोएब मलिक 6 रन, विकेट हो सकता है, नहीं, बहुत बड़ा मौका था ये, मुश्किल मौका नवीन उल हक के लिए, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ओ बेहतरीन गेंद ये, एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश बाबर आजम और क्लीन बोल्ड। आखिरी गेंद ये राशिद खान का स्पेल का, गुगली पड़े थे जरूर लेकिन एग्जीक्यूशन सही नहीं, बल्ला और पैर के बीच में से गेंद निकला, क्लीन बोल्ड। 122 पे 4, बाबर आजम 51 पे आउट। ओ ये मौका, कॉटन बोल्ड, ये वो कैचेस होते हैं जो अगर चिपक जाते हैं तो चिपक जाते हैं। आउट, बारी किनारा, शोएब मलिक आउट, नवीन उल हक बेहतरीन ओवर घटता हुआ ये, बढ़िया गेंद अंडर प्रेशर, वाइड आउट से ऑफ स्टंप क्योंकि दबाव में थे शोएब मलिक, से 2 रन आया था इस ओवर से, 19 रन बना के आउट शोएब 124 पे 5। ऊपर गई है और दूर भी, शुरुआत छक्के के साथ, नहीं नहीं, बेहद खराब गेंद, वाइड यॉर्कर, नहीं नहीं, 6 रन, ये आ गया वो हिट आसिफ के बल्ले से, 4th छक्का इस ओवर का और इसी के साथ मैच को जीत लिया है पाकिस्तान ने।